हेलो एंड वेलकम टू अपफ्रंट विद पल्लवी सरीन ऑन स्ट्रेट लाइन सांबा क्वारंटीन सेंटर में कुछ दिन पहले तोड़फोड़ हुई उस और ये पहला इंसिडेंट नहीं था उससे पहले भी क्लैशेस हुए थे तोड़फोड़ हुई थी क्या कारण है कि वेन देर अ टफ कॉप ऑन द जॉब स्टिल सांबा क्वारंटीन सेंटर रिमेंस इन द हार्ट ऑफ कॉन्ट्रवर्सी मेरे साथ इस वक्त हैं एस एस पी सा्बा मिस्टर शक्ति पाठक आइन से जानते हैं मिस्टर पाठक वेलकम ऑन स्ट्रेट लाइन थैंक यू आपसे यही समझना चाहूँगी कि जो तोड़फोड़ हुई कारण क्या था तोड़फोड़ का उसके बाद किस तरीके से मैनेज किया गया और क्या सच में जिस टाइम पे तोड़फोड़ हुई उस टाइम पे कुछ लोग क्वारंटीन सेंटर से भाग निकले थे तोड़फोड़ हुई है इसका कोई डाउट नहीं है वो सबने देखा भी है okay. पीछे कुछ नंबर जो था अचानक कम हो गया था यहाँ पर जो बाहर से ट्रेवलर आ रहे थे अचानक नंबर बढ़ा है uh -huh. और वो नंबर ऐसा था जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी और जब वो नंबर वहाँ पर पहुँचा हमारी एक कैपेसिटी है बीच बीच में कुछ आ, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कोविड का टेस्ट होना ये नंबर सारा डिफाइन हुआ था पर जो बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके नंबर के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी सैंपलिंग होनी है जो रूटीन में सैंपलिंग हो रही है विलेज़ में उनकी भी सैम्पलिंग होनी है तो रोज की लिमिट अगर आपकी फ़िक्स है और आपके पास नंबर ज़्यादा आ जाए तो नेचुरल है कि वो कुछ लोगों को वहाँ पर रुकना पड़ेगा और उसकी वजह से ह्यूमन एन भी होता है और पहले जो कुछ लोग वहाँ पर आए थे वो सभी कुछ वेल well ऑफ भी थे कुछ अफोर्ड कर सकते थे ये क्योंकि लेबर क्लास थी सभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे तो कुछ एक को लगा कि हमारा टाइम के ऊपर टेस्ट नहीं हो रहा है कुछ एक ये शिकायत थी कि टाइम के ऊपर खाना नहीं मिल रहा है शायद ये भी रही होगी कि सब स्टैंडर्ड खाना मिल रहा है हालाँकि सब स्टैंडर्ड वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए ये कुछ एक इश्यूज़ बने जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया था लेकिन उसको टाइमली हमने कंट्रोल किया और उसके बाद से चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हुई हैं यहाँ तक रही भागने की बात मुझे लगता है कि जो बाहर से आए हैं वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है आपने भी देखा होगा और वहाँ से भागना मेन गेट और एक गेट और है वहाँ पर तो मैनिंग होती है वहाँ से भागना तो पॉसिबल नहीं है और पीछे से अगर कोई भागा है तो वही भाग सकता है जिसको रास्तों का पता होगा खुला पीछे जंगल है पर जितना हमें रिपोर्ट किया गया कि 200-300 नंबर भाग गया है आपने भी जो वीडियो दिखाया वो चार पाँच का दिखाया है तो 200-300 कहीं पर नंबर नहीं भागा है पर हमने सारा पूछ के वो हमने वेरीफाई किया तो हमें लगा कि लगभग सत्रह लोग वहाँ से भागे हैं जिसका हमने एफ़ भी दिया और उनको ट्रेस आउट भी किया है अनफॉर्चुनेटली उनमें से दो पॉजिटिव निकले तो पॉजिटिव के चक्कर में फिर उनको कोविड में भी डाला और जो भी उनके फैसिलिटेटर्स थे उनको भी हमने बुक किया है फैसिलिटेटर्स कौन थे जिन्होंने मदद की कि वो वहाँ से भाग हाँ। निकलते कुछ उनके जम्मू से ही साथ ही गए थे जिन्होंने कहा हम आपको ले आते हैं गाड़ी में बैठा करके तो उनको भी हमने बुला करके बुक किया है साथ में अगर वो भाग निकले हैं और उनमें से दो लोग पॉजिटिव भी आए हैं आप अब क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात उठाएं कि अगर क्योंकि उस क्वारंटीन सेंटर की प्रॉपर चारदीवारी नहीं हुई है वहाँ से चांसेस हो सकते हैं भागने की या तो वो क्वारंटीन सेंटर कोई और शिफ्ट करें या वहाँ पर मदद ली जाए सी आर पी एफ से आर्मी से ताकि प्रॉपर जो है प्रोटेक्शन हो और वहाँ से दोबारा इस तरीके के इंसिडेंट ना हो पाए देखिए इस टाइम तो सभी फोर्स ऑक्यूपाइड हैं तो हम किसी से मदद लेने वाले इस टाइम सभी मदद कर रहे हैं नहीं। ऐसा नहीं है लेकिन खुले में जब ओपन स्पेस होता है तो आप जितनी मर्जी मैन पावर लगा दीजिए आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरा मैंने कहा कि इस सारे में सभी के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है जैसे पहले कुछ ऐसे वाक्य हुए लेकिन लोगों ने रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया यहाँ पर कुछ सेक्शन ऐसा था जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं था वो समझ नहीं रहा था कि समस्या कितनी सीरियस है कितनी गंभीर है इस वजह से ये वाली प्रॉब्लम आई है बट अभी हमने अपनी क्योरिटी भी जो अप्रोप्रिएट जगह होती है वहाँ पर लगाई है तो मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या ये भी कोशिश की जा रही है कि क्योंकि दो लोग पॉजिटिव आए हैं वो जिन जगहों से होकर गुजरे हैं वहाँ पर ट्रेसिंग की जाए कि और कोई रैंडम सैम्पलिंग की जाए कि और लोग तो नहीं कहीं पॉजिटिव आए हैं वो सारे के सारे हम ट्रेसिंग कर रहे हैं जो भी ऐसे बीच में लूप होल्स कहीं हो सकते हैं वो सर हम प्लग करेंगे कोई ऐसी प्रॉब्लम साथ ही में बात करेंगे जब तक सांबा में हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो ड्रग्स स्मगलर्स हैं उन्हें पकड़ा जाता है जो पॉपी स्मगलर्स हैं उन्हें पकड़ा जाता है ड्रग्स के खिलाफ और किस के तरह के कदम जो हैं वो आप उठा रहे हैं और क्या कोई ऐसी अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्य। क्योंकि सांबा में बॉर्डर भी है बॉर्डर पार से जो है ड्रग्स यहाँ पर स्मगल किए जा रहे हैं आ, पार वाला मैं इशू नहीं अभी कहूँगा क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पर कोई ऐसी सप्लाई वाला इंसिडेंट हमारे सामने नहीं आया नहीं। बट यकीन कठुआ क्योंकि पंजाब से टच करता है और इधर जम्मू में भी मेजर सप्लाई आती है तो दोनों मेजर डिस्ट्रिक्स के बीच में ये सैंडविच्ड है तो जो कोई भी ड्रग पैडलर्स अपने सप्लाई देते हैं वो उन जगह में जा कर के यहाँ पर कुछ जो ड्रग एडिक्ट हैं वो बच्चे जाते हैं लड़के जाते हैं लेते हैं और अपना उनका भी काम चल रहा है उनका अपना धंधा चल रहा है बट काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल रही कोविड के दौरान क्योंकि सबकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो चेंज हो गई हमने जो लॉकअप में भी लोग रखे हुए थे जितने भी अंदर डिटेन किए थे उन सबको भी हमें छोड़ना पड़ा है क्योंकि प्रायोरिटीज़ चेंज हुई तो कहीं ना कहीं जो एडिक्ट सेक्शन था वो दोबारा से इसकी चपेट में आना शुरू हुआ लेकिन फिर से हमने उसको कसा है और मुझे यहाँ तक अभी तक नॉलेज है कि ड्रग पैडलर इतने ज़्यादा एक्टिव सांबा में नहीं हैं हाँ एडिक्ट कहीं कहीं जा कर के अपना कुछ सामान अपना लेकर के आते हैं और उसके ऊपर भी हम अभी हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे से और ज़्यादा उनके ऊपर ठीक लगाम कसी जाएगी जैसे कि आपने कहा कि कोविड के चलते प्रायरिटीज शिफ्ट हुई कई ऐसे क्या ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहाँ पर लोग जो हैं वो छुप कर जम्मू कश्मीर में एंटर करने की कोशिश की हूँ कठुआ में अगर वो नहीं पकड़े गए तो सांबा में उन्हें रोका गया हो या फिर यहाँ से कुछ लोग जो है जैसे देखा कि हमने माइग्रेंट लेबर्स पैदल पैदल निकल गए थे उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश की हो कि आप पैदल ना जाएं आप प्रॉपर एस को फॉलो करें दोनों चीज़ें हो गई कोविड के दौरान ड्रग एडिक्ट और पैडलर भी स्नेक किया है और इस तरह के लेबर वाले भी अंदर आए हैं तो लेबर भी जो अंदर आई है या जिन्होंने बाहर जाने की कोशिश की है उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई की है बाहर जाने से उनको रोका है और जो बाहर से अंदर आ रहे थे उनकी प्रॉपर ताकि इनकी क्वारंटीन हो उसके बाद ही वो आम पब्लिक के बीच में जाए ये हमने पूरा किया है यहाँ तक ड्रग पैडलर्स वाली बात है तो क्योंकि ये सभी के ध्यान में है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनके लिए फ्री एक्सेस थी उनके लिए कहीं रोक टोक नहीं थी नेशनल हाईवे थ्रू था और उसके चक्कर में काफ़ी ट्रक्स में ये कंसाइनमेंट्स गई हैं और हमने ऐसे दो ट्रक्स पकड़े भी हैं स्पेशल नाके लगा करके और हीरोइन हमने पकड़े तो उसके ऊपर भी हमने काम किया उस बायदा मलेर कोटला पंजाब का मतलब बड़ा नोटोरियस सा माना जाता है कि वहाँ से काफ़ी ट्रक पैडलर आते हैं और उनको हमने पकड़ा है और उनकी जो यहाँ की एक सिस्टम चला हुआ था वो एकदम रुका है तो उस लाइन के ऊपर भी इस दौरान जिन्होंने नाजायज़ फ़ायदा लेना चाहा उसके ऊपर हमने नकेल लगाई है साथ ही में जिस समय कोविड लॉकडाउन था अब तो अनलॉकडाउन की ओर हम बढ़ रहे हैं ये भी देखने को मिला कि सांबा में केसेस कम थे लेकिन फिर भी सांबा को स्ट्रैटेजिकली जो है रेड जोन में रखा गया क्योंकि एंट्री पॉइंट जो है कठुआ और सांबा जो है पहले आते हैं इसके चलते लोगों में बड़ा रोष देखने को मिला कि लोग कह रहे हैं कि हमें रेड जोन में क्यों रखा है ऐसे में जो आपके पुलिस के कर्मी हैं उन्हें किस तरीके से कम्युनिकेट किया क्योंकि इस पूरी कोविड की लड़ाई में हमने देखा कि पुलिस कर्मियों ने बहुत कॉपरेट भी किया लोगों के साथ राशन बांटने में देखें तो पुलिस के लोग आगे थे लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने में भी आगे थे तो एक इमेज पूरी रिफॉर्म हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस की ड्यूरिंग दिस कोविड जब सांबा रेड जोन में था तब किस तरीके से आपने कन्विंस करने की कोशिश की लोगों को कि वो समझें कि रेड जोन में क्यों है लोगों का हमें काफ़ी सपोर्ट मिला नो डाउट और पुलिस हमेशा ही काम करती है बट इस सिचुएशन में इस क्राइसिस में क्योंकि बाकी सभी की एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं रोका गया था और पुलिस अपनी एक्टिविटीज़ उससे बेहतर कर पा रही थी इसलिए वो ज़्यादा अप्रिशिएट भी हो पाई लोगों ने इसलिए भी सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें भी लगता था कि ये बहुत बड़ा पेंडेमिक है जब तक इसमें सपोर्ट नहीं होगी सबका रोल नहीं होगा तब तक चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी तो सबका सपोर्ट मिला हमें सिर्फ कुछ सेक्शन मैं यहाँ तक समझता हूँ जिनको कहीं ना कहीं अपना बिजनेस हर्ट होता हुआ दिखा या लगा कि कुछ आ, मेरा पड़ोसी जो है वो ज़्यादा कम आ गया मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ उन्होंने आवाज़ ज़रूर उठाई होगी लेकिन हमारे पास इन जनरल लोगों ने हमारे जितने भी जो हमने कड़े स्टेप्स लिए हैं उनको अप्रिशिएट किया है आपने जैसे बोला कि हमारे अपने कम केसेज़ हैं बाहर के ज़्यादा केसें हैं।, हैं।, हैं और आज की डेट में भी टू फोर्टी के लगभग हैं और इसमें हमारे फोर्टी सिर्फ साम के बाकी सभी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं तो हमने बाक़ियों की जिम्मेवारी को लिया है ये चीज़ सांबा के लोग भी समझते थे कि सांबा एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकियों की जिम्मेवारी को लिया है और सभी की क्योंकि जिम्मेवारी बनती है कुछ ना कुछ इस माहौल में अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने की इसलिए मेजोरिटी ने इसको अप्रिशिएट किया उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया है क्रिटिसाइज़ करने वालों का सेक्शन बहुत छोटा है और वो उनके अपने पर्सनल रीजंस हैं वो कोई सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए लिए गए उनके डिसीज़न नहीं है मिस्टर पाठक की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि आप जो है किसी एक व्यक्ति को जो है पीट रहे हैं वो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी क्या आप बात करना चाहेंगे कि वो क्या इंसिडेंट हुआ था आपने मेरे ऊपर ही कहा कि मैं था उसमें ऐसा तो नहीं है ऐसा लग रहा था उस वीडियो में नहीं ऐसा नहीं है हमने भी उसको वेरीफाई किया है ऐसा कुछ नहीं आया तो वो क्या मैटर मैटर क्या हुआ था ऐसा तो अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं उसको जब आएगा तो आपसे शेयर करेंगे ऑल राइट right. एक और मसला जो अभी जम्मू कश्मीर के यून टेरीटरी बनने के बाद सामने आया है कि अभी तक लैंड लॉस तो नहीं बने हैं लेकिन जो लैंड माफिया है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है लैंड माफिया जहाँ पर भी देखता है कि कहीं पर लैंड है तो वो एकदम झपकने के ऊपर आता है हमने रिसेंटली देखा कि उधमपुर में लैंड को लेकर एक किलिंग भी हुई और इसी तरह की किलिंग्स जो हैं अलग अलग जगहों पर भी हो रही हैं तो सांबा में आप किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि इन लैंड माफिया की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी नज़र रहे और उन्हें जो है रोका जा सके यूटी के बाद लैंड माफिया ज़्यादा एक्टिव हुआ है अभी ऐसा नहीं मैं ये कह सकता हूँ लैंड माफ़िया हमेशा ही एक्टिव रहा है और सांबा क्योंकि एक नया बिज़नेस हब है वैसे भी बिज़नेस सेंटर है पूरे जम्मू कश्मीर का और काफ़ी नई नई इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर बन रही हैं एम्स यहाँ पर बन रहा है जम्मू के बिल्कुल पास में पड़ता है इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है तो लोगों की एक अप्रोच रहती है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ जगह मिलनी चाहिए और जहाँ कहीं भी छोटा कोई पैच मिलता है तो उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं नो no डाउट यू बनने के बाद कुछ लोग जो बाहर के हैं वो भी चाहेंगे कि हमें इसी में से कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाए तो ऐसे कुछ इश्यूज नए आ सकते हैं अभी हमारे पास नोटिस में नहीं आए हैं और इसके ऊपर भी हमने नज़र रखी हुई है ऐसे जो भी हमारे पास इंसिडेंट आपने भी शायद देखा होगा काफ़ी सारी जगह खाली भी करवाई हमने जो पुराने पुराने कब्जे के करके बैठे हुए थे नेशनल हाईवे के ऊपर बैठे हुए थे वो सब खाली करवाए बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस ढंग से हम चल रहे हैं तो लैंड माफिया यहाँ पर वो हिम्मत नहीं कर पाएगा और जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं बढ़ा पाएगा आखिर में मिस्टर पाठक बात करेंगे क्योंकि कोविड के चलते प्रायोरिटीज़ ज़रूर शिफ्ट हुई लेकिन एक चीज़ जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो है बॉर्डर क्योंकि सांबा में भी बॉर्डर है किस तरह की एक्टिविटी बॉर्डर पर रही ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स किस तरह से मैनेज हुआ क्या कहीं पर आपको लगा कि जो हम नज़र रख रहे हैं बॉर्डर के ऊपर उसमें किसी भी तरह की कमी आई क्योंकि मैन पावर की जो प्रायोरिटी थी वो जो थी वो कोविड बन चुकी थी हाँ ये काफ़ी अच्छा सवाल है और क्योंकि बीच में चाइना वाला इशू भी आया तो पाकिस्तान की कोशिश तो रहनी ही थी कि कहीं से भी हो तो इनके लिए प्रॉब्लम बने और सांबा पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में ही पड़ता है तो हमारी जितनी भी मैन पावर थी उस एरिया में पूरी हमने अलर्ट रखी उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है और जो भी हमारे लिए बेस्ट एफर्ट्स और हो सकते थे वो भी हमने किया तो जो कोविड के ऊपर हमारा फोकस था उसका हमने अलग से मैन पावर रखा हुआ था और बॉर्डर की एक्टिविटीज़ के ऊपर चेक लगाने के लिए हमारा अलग से मैन पावर था उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया और बीच में जो एक दो कहीं अटैम्प्ट हुए भी हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि फोर्सेस हमारे बिल्कुल छकन नहीं थी एक और इंसिडेंट जो सामने में देखने को मिला वो ये था कि पेप्सी को के कई सारे मुलाजिम जो हैं वो पॉजिटिव आए और ख़बरें ये आई कि उन्हें जब पहले ही कुछ लोग पॉजिटिव आना शुरू हुए थे तो उन्हें कहा गया था कि एस को फॉलो किया जाए या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बंद किया जाए लेकिन कंपनी वालों ने बात नहीं मानी क्या इस तरीके का कुछ इशू था या कोई और मामला था नहीं ऐसा नहीं है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको बताई गई थी हम उन्हीं के ऊपर स्टेक्ट किए हुए थे बट बाद में ऐसा केस रिपोर्ट हुआ कि उनका एक कोई पॉजिटिव केस आया उसके बाद उन्होंने ज़रूर अप्रोच किया था कि एक पॉजिटिव हुआ है तो आप बाकियों को काम करने दिया जाए लेकिन हमने स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, नहीं। जब तक सबकी सैंपलिंग नहीं हो जाएगी तब तक हम सभी को अलाउ नहीं करेंगे और वो हमारा डिसीजन जो था वो ठीक रहा क्योंकि उसके बाद सबकी सैंपलिंग हुई है और आज तक इससे पहले तक थर्टी थे आज एटीन और आए हैं तो 52 केसेस हो गए हैं और उसकी वर्किंग हमने बंद की हुई है हमने एफआईआर लगाया हुआ है कि कोई ना कोई उनके पास विजिटर आया होगा बाहर से जो किसी ने हाइड किया है तो जब तक हमें वो एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता लगेगा तब तक हम इस केस को क्लोज भी नहीं कर सकते हैं। और यही नहीं इनका सत्ताईस को फर्स्ट टेस्ट हुआ है उनतीस को उसकी रिपोर्टिंग हुई है हमने बीस से जो भी इनकी वहाँ पर प्रपरेशन हुई है वो सारी की सारी सप्लाई जो है जहाँ जहाँ गई है सभी को इन्फॉर्म करके उसको ब्लॉक करवाया है कि ये कहीं पर भी पब्लिक में नहीं जानी चाहिए तो हमारी ओर से पूरे उसमें स्टेप्स हुए हैं कि वहाँ से फर्दर स्प्रेड ना हो विद इन यूनिट जो हो चुका है वो तो अभी हम उसको नहीं कर सकते हैं लेकिन फर्दर स्प्रेड नहीं हो ये पूरे हमने एफ़र्ट्स किए है आखिर में मिस्टर पाठक क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो इस समय भी सोचते हैं कि जब लॉकडाउन था तो दुकानें बंद थी सब कुछ बंद था अब अगर हम एक घंटा दुकान और खोल लेते हैं तो आखिर दिक्कत क्या है तो भी जब वो देखते हैं कि कोई पुलिसकर्मी आ रहा है तो वो अपने दुकान का शटर बंद कर लेते हैं जैसे वो जाते हैं तो वापस से शटर ऊपर हो जाता है क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लोगों को राधर मेरे पास आज कईयों ने अप्रोच किया कि आप डी साहब से बात करिए और दुकानों की टाइमिंग थोड़ी कम कराइए तो ऐसा नहीं है समाज में सभी तरह के लोग हैं कुछ मौके का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि उनसे समाज चलता नहीं है उनके खिलाफ पुलिस है कार्रवाई करने के लिए पर जिनसे समाज चलता है ऐसे लोग ज़्यादा हैं और वो संजीदा हैं और वो हमें ठीक फीडबैक देते हैं उस फीडबैक के ऊपर हम अगली स्ट्रेटजी ज़रूर बनाएंगे और आपके जरिए ज़रूर अपील करेंगे कि काइंडली इसकी ग्रेविटी को समझें और जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है वो सबके वेलफेयर के लिए दे रही है सबके अच्छे के लिए दे रही है किसी के नुकसान के लिए नहीं है आप कुछ टाइम के लिए अभी नुकसान नफा छोड़िए अपनी ज़िंदगी को बचाना जो है ये प्रायोरिटी समझ करके आगे चले रतन टाटा ने भी यही कहा है कि ये साल सिर्फ अपने सर्वाइवल का साल है तो हम उस लाइन के ऊपर चलें बाकी नफा नुकसान उसके बाद देखा जा सकता है बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक हमें समय देने के लिए तो आपने साफ तौर पर सुना कि अब क्वारंटीन सेंटर में सांबा क्वारंटीन सेंटर में जो भी इंसीडेंट्स हुए उसके बाद स्टेप्स ले लिए गए हैं ताकि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना हो और कोशिश पूरी की जा रही है कि कोविड नाइन्टीन के चलते सबको इन्फॉर्म भी किया जाए कि किस तरह के कदम आप उठाएं ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकें मुझे पल्लवी सरीन को दीजिए इजाज़त देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़